सो एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो में आप लोग का स्वागत है गाइज। मे भी आजकल ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग में ज़्यादा पैसे स्पेंड भी कर रहे हैं, तो इनके लेटेस्ट ये फोन्स आप लोग ने अनबॉक्सिंग वीडियो अगर चैनल पे नहीं देखे जाके देख सकते हो। सुपर पोर्ट इमर्सियो, ये फोन्स 2300 रुपीज़ के। इन ये फोन्स के लिए मैंने 2300 रुपीज़ पे किए एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया था, बट स्टिल काफी लोग इसको परचेज कर रहे हैं, इसकी रेटिंग और डाउन जा रही है। एंड रीजन सीधा सिंपल है, सेम प्राइस पे आपको वन प्लस के बड्स 3 मिल जाते हैं विच ऑफर मोर वैल्यू एट द सेम प्राइस पॉइंट। रियलमी एयरफोन्स भी, बट आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे फॉर द सेम प्राइस पॉइंट एंड आप लोगों के लिए कौन सा बेटर चॉइस होगा वो हम आप लोग को बताएंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हम बेस्ट डील एंड डिस्काउंट आप लोग के लिए शेयर करते रहते हैं अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप वहां पे जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों एयरफोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। तो मीवी थिंकिंग है, माइंड सेट है, जो भी इनकी डिजाइन टीम है या फिर जहां से भी प्रोडक्ट उठा के लाते हैं, जितना ग्लोसी फिनिश देंगे या जितना मिरर फिनिश देंगे उतना एयरफोन्स प्रीमियम दिखेंगे, तो ऐसा कोई भी फंडा नहीं है। आप यहां पे देख सकते हैं एयरफोन्स काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड उस वजह से ये एयरफोन्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कई लोग को बिल्कुल सिंपल डिजाइन पसंद है। अब यहां पे आपके फिंगरप्रिंट भी आएंगे एंड अगर आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपको बिल्ड क्वालिटी कितनी बेकार है वो चीज़ फील होगी, क्योंकि ये प्रॉपरली नहीं बिल्ट है। सेकंड चीज़, यहाँ पे आपको ब्रांडिंग, LED इंडिकेटर, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, यूनिक ओपनिंग स्टाइल एंड काफ़ी यूनिकली बिल्ट ईयरफोन्स मिल जाते हैं, जो कुछ लोग को पसंद आएंगे कुछ को नहीं पसंद आएंगे। एंड ईयर फिटिंग यहाँ पे कुल मिला के ठीक मिल जाती है, ईयर फिटिंग को लेकर कोई भी चैलेंज नहीं है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा ईयर रिंग जैसा ये फील होगा एक बार पहनने के बाद, और ये IP रेटिंग भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप जिम जॉगिंग क्लीन को यूज़ कर सकते हैं। कंफर्ट वाइज मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा, बट या डिसेंट कंफर्ट है, एक्स्ट्रा एयर टिप्स आपको मिलती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अंदर साइड अगर वन प्लस की बात करते हैं, ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ आते हैं। यहाँ पे आपको जो फिनिश मिलती है, यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिश मिल जाएगी जो स्क्रैच काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग है, LED इंडिकेटर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक फिजिकल बटन मिलेगा अगर कोई दिक्कत आती है तो रीसेट कर पाएंगे एंड काफ़ी अच्छा फीडबैक मिलता है हिंज का। बर्ड्स काफ़ी डिसेंट शेप में है, मेरे को इनकी ईयर फिटिंग सबसे बेस्ट लगती है, जो इस ईयरफोन्स का एक मेन पार्ट भी है। ईयर फिटिंग के लिए यार आप 2-3 हज़ार रुपये जितना भी स्पेंड कर सकते हैं उसमें नोटबड 3 एंड 3 प्रो की बेस्ट ईयर फिटिंग आपको मिलती है। सो फिटिंग को लेकर कोई भी चैलेंज नहीं होगा। उसके अलावा अगर आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं इन डिफरेंट एस्पेक्ट, चाहे आप म्यूजिक के लिए ले लें, गेमिंग, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी, एप्लीकेशन यूजेज, इंटरफेस से लेके इसका एवरी एक्सपीरियंस काफ़ी प्रीमियम टच देने वाला। सो मेन पार्ट पे आने से पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी कनेक्टिविटी। दोनों ही फोन्स आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी अपनी अपनी एप्लीकेशन का सपोर्ट देते हैं, 5.4 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब मीवी से मैं वन प्लस की एप्लीकेशन कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, नीट क्लीन एप्लीकेशन है, कितने भी टाइम आप इसको यूज़ कीजिए ऐप में कोई दिक्कत नहीं है एंड फीचर फंक्शन यूज़ करना काफ़ी अच्छी है। जहाँ पे मीवी में अगर आपके पास मल्टीपल एयरफोन्स है, मीवी के जो एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं, ये एक एयरफोन से दूसरे एयरफोन्स पे शिफ्ट होता है बिना आपके परमिशन के, विच आई डोंट लाइक, मगर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ से काफ़ी शिकायत है। ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लें, सो मीवी के पास है डॉल्बी एटमॉस की सर्टिफिकेशन, 13 mm के ऑडियो ड्राइवर्स एंड डॉल्बी एटमॉस अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो आपको बता देगा। ये सर्टिफिकेशन म्यूजिक, गेमिंग एंड मूवी एक्सपीरियंस को इमर्सिव बनाता है और बेटर क्लैरिटी एंड एक प्रीमियम टच प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेशन तो अचीव कर लिया, बट क्या उस लेवल की साउंड डिलीवरी मिलती है? सो मैं बोलूँगा वो लेवल डिलीवर नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द फीचर फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे मूवी काफ़ी मार्जिन से पीछे रह जाता है। इवन तो आप हाई स्पेसिफिकेशंस क्लेम कर रहे हैं बट आउटपुट क्या आ रही है वो काफ़ी मैटर करता है, एंड आउटपुट आपको रिव्यू में पता चली जाएगा उतना बेटर आउटपुट प्रोडक्ट का नहीं है, काफ़ी एवरेज साउंड करता है। हाँ, डॉल्बी एटमॉस इनेबल करने के बाद हल्का फुल्का क्लैरिटी, एक 360 एक्सपीरियंस मिलेगा, बट वो उस प्रीमियम लेवल का नहीं है जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या इसको लेना सही चॉइस है? हाँ, म्यूजिक के लिए एक बार के लिए सोच सकते हैं, बट फीचर को अचीव करने में काफ़ी सारी चीज़ें कंप्रोमाइज़ आपको करनी पड़ेंगी जो हम आगे बात करेंगे। हालांकि वन प्लस अपना वही 12.4 mm के ड्राइवर्स कंटिन्यू कर रहा है अपनी पुरानी सीरीज से, वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आपको मिलेंगे। साउंड क्वालिटी के मामले में वन प्लस कुल मिला के ठीक है, मेवी जितनी क्लैरिटी तो आपको नहीं दे पाएगा, बट इवन दो 100% पे आप इसको सुनते हैं तो आपको लेस डिस्टोर्शन के साथ एक बढ़िया साउंड सिग्नेचर मिलेगा। इंडियन म्यूजिक लवर को ये एयरफोन्स पर्टिकुलर काफ़ी पसंद आएंगे। सो म्यूजिक में मैं इसको ईजिली 9.2 out of 10 दे रहा हूँ। मेवी बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकेशन ज़्यादा हैं, क्लैरिटी इन आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये 9.1 है, तो हल्का फुल्का डिफरेंस आपको फील होगा। यहाँ पे आप वन प्लस को विनर कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा एड ऑन फीचर यहाँ पे क्या मिलेंगे, 32 dB का एक्टोनोइस कैंसिलेशन, जो बेस्ट तो नहीं है सेगमेंट का बट स्टिल काफ़ी अच्छा नॉइस कैंसिल आउट कर लेता है, 70% तक नॉइस कैंसिल आउट ये कर पाएगा। एम्बिएंट मोड मिल जाता है,
अलग अलग फीचर हैं। आप म्यूज़िक कस्टमाइजेशन में जाएंगे, आपको मल्टीपल फीचर वहाँ पे मिलेंगे। ईयरफोन्स के टच कंट्रोल को आप आराम से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 94 ms की लो लेटेंसी मिलती है, जो ऑन पेपर उतना बेटर नहीं है, बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाएंगे। काफ़ी डिसेंट सेपरेशन यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके अलावा दोनों ईयरफोन्स आपकी डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी सपोर्ट करते हैं। मीवी पे आपको गेम मोड देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाकी एंड टच कंट्रोल कस्टमाइजेशन दोनों फंक्शन वहां पे प्रेजेंट है। ऑडियो कॉलिंग के लिए दोनों ही फोन्स आपको क्वाड माइक्रोफोन सेटअप दे रहे हैं। दोनों का कॉलिंग रिजल्ट हमने यहां पे इंक्लूड किए, एक बार चेक कर सकते हो आप लोग। मेबी सुपरपोर्ट इमर्सो, ये एक फोन लाइक काफी ओवर प्राइस मेरे को फील हुई है। एंड बाकी जो रिव्यू था आपने उनकी क्वालिटी के बारे में देख लिया सुन लिया, एंड ये है इसके माइक्रोफोन क्वालिटी के बारे में। दो में यूज करेंगे वो कम्युनिकेशन पर्पज एंड कुछ इस तरह के ये फोन दिख रहे हैं इन ईयर। एंड डिजाइन वगैरह लाइक यूनिक है, सिमिलर टू बोल्ट क्लैरिटी, बट ऐसी आपको माइक्रोफोन क्वालिटी हमें मिल गई लेकिन इनका कमेंट से बट ठीक है। माइक्रोफोन इन आउट कंडीशन है, जहाँ पे पीसी वगैरह साउंड इन्वॉल्व है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है अगल बगल में, तो डिस्टर्बेंस है काफ़ी हद तक। 70 dB आप कंसिडर कर सकते हैं, बट इसकी माइक्रोफोन किस क्वालिटी का प्रॉब्लम है, कितना नोज को कैंसिल आउट कर पाते, कितना कैंसिल आउट नहीं कर पाते, तो वो हमें यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो लेट मी नो। मूविंग टू द बैटरी पार्ट, वन प्लस सोलिड 11 आवर का प्ले टाइम क्लेम कर रहा है पर चार्जिंग, विच इज़ क्वाइट हाई। एंड मीवी जो है ना वो आपको 8.5 आवर पर चार्जिंग दे रहा है, जो कंसिडरेबल है, बट सर्टेन कंडीशन के बाद। दोनों ही फोन्स को अगर आप मैक्सिमम कंडीशन में यूज़ करते हैं तो वन प्लस आपको 7 आवर तक का बैटरी बैकअप पुल आउट करके दे सकते हैं, जहाँ पे मीवी 3.5 आवर से 4 आवर के बीच में बैटरी बैकअप डिलीवर कर पाएगा इन एक्सट्रीम कंडीशन। सो आप लोग को ये सोचना है मीवी को लेने का फ़ायदा क्या है। बेसिकली कुछ भी नहीं, जस्ट इन्होंने एक अनदर सर्टिफिकेशन क्लेम कर दिया, जो हमने काफ़ी ब्रांड्स पे देखा है, बोट बोल्ट जो चीज़ें करते रहते हैं मीवी अभी कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट उतना बेटर नहीं है एंड वो प्रीमियम फीचर नहीं दे पाएगा जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो बेटर है रियलमी या वन प्लस की ओर जाइए, जहाँ पे आपका पैसा सेव हो सके, बेटर फीचर फंक्शन मिल पाए एंड आपको फीचर के साथ कहीं भी कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो गाइस हमारी ओर से तो भाई यही फीडबैक आप लोग के लिए, यही रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों फोन्स में से चूज़ कर लीजिए वन प्लस। एंड कोई क्वेश्चन सवाल है कमेंट में बता दीजिए, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर करने की जल्द से जल्द। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।